अनूपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनिया ओझा। अनूपगढ़ से संवाददाता रमेश बागड़े ने बताया कि अनूपगढ़ ग्राम पंचायत 15A में सरपंच का चुनाव हुआ निर्विरोध, क्योंकि 15A में सरपंच पद के लिए एक ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ। इस कारण से सरपंच पद के लिए धाई देवी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई। नामांकन पत्रों की जांच करने के बाद नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद धाई देवी को निर्वाचित घोषित किया गया। 60 वर्षीय धाई देवी बनी निर्विरोध सरपंच। धाई देवी को सौंपा प्रमाण पत्र। ग्राम पंचायत 15A में पहली बार हुआ निर्विरोध। अनूपगढ़ ज्योति टीम की तरफ से आपको सरपंच की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आप सरपंच चुनाव जीत चुके हो, अब आगे आप सर्वप्रथम पहला काम क्या करोगे? पानी का काम करेंगे सर। और गांव की कोई गलियों का काम करेंगे, जो मेन मुद्दे हैं गांव के, पानी वाटर वर्क्स का काम देंगे, और दो के में पाइपलाइन का काम करेंगे, सड़के जब गलियां गुड़िया सब बता रहे होते रहे, और गांव में गलियां वगैरह है उनका विकास कराएंगे, और एक स्कूल के अंदर कमरों का काम करवाएंगे। 16 में पाइपलाइन बिछवा दी, 16 में पाइपलाइन डलवा दी, ठीक है, और दो के में शौचालय, तीन के शौचालय, एक जो पीएम आवास की योजना जिनको नहीं मिल रही है, हाँ जी वो जो करवाएंगे जरूर करवाएंगे। एक खाद्य सुरक्षा के पात्र हैं जो उनका बीपीएल में परिवार में नाम ही नहीं है, उनके बारे में वो भी करवाएंगे सर। किन मुद्दों को लेके आप आगे बढ़ोगे? विकास के लिए, सबसे पहले क्या काम करोगे? सड़कों कच्ची कुची सारी दे डूब कर पहले सड़कों रही ऑर्डर देना मैं। हाँ वो बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्या सड़कों स्कूल रो स्कूल रो विकास करना है। फिर एक मंजूरी ते गुरुद्वारा दया गुरुद्वारा बना सा, ठीक है।